ये कहानी है तीन दोस्तों के बारे में जो एक सौना में फंस जाते हैं। मूवी का नाम है 247 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मूवी रिलीज़ हुई थी सन 2011 में। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं जैना को जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कार में जा रही थी। तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जैना के बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। अब इस एक्सीडेंट के 3 साल बाद जैना अपने बचपन की दोस्त रीनी के साथ घूमने का प्लान बनाती है। वहाँ पर रीनी का बॉयफ्रेंड माइकल और उसका दोस्त ईयान भी था। ये चारों लोग एक बोट पर बैठकर ईयान के अंकल के घर में जाते हैं। वहाँ पर ये लोग ईयान के अंकल वेड से मिलते हैं जो इस लेक हाउस का मालिक था। वेड उन सबको ड्रिंक्स ऑफर करता है लेकिन जैना ड्रिंक्स लेने से मना कर देती है और वो अपनी दवाई खाने के लिए कमरे के अंदर जाती है। ये दवाइयाँ एंटी डिप्रेसेंट्स थी पर आज वो ये दवाई नहीं खाती क्योंकि वो इन दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। इसके बाद ये सभी दोस्त घर के अंदर चले जाते हैं। रिनी और माइकल एक रूम में चले जाते हैं ताकि जैना और ईयान एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर सकें। इसके बाद जैना और ईयान साथ मिलकर डिनर बनाते हैं। डिनर के दौरान वेड इन सबको एक प्राइवेट पार्टी के इनविटेशंस देता है। वेड माइकल को एक जॉइंट भी देता है। उस कैबिन में एक सोना भी था। माइकल पार्टी में जाने से पहले सोना में सभी को चलने के लिए कहता है। ये सभी लोग सोना में जाते हैं। थोड़ी देर सोना में बैठने के बाद इन्हें वहाँ पर काफ़ी गर्मी लगने लगी थी इसलिए वो लेक में नहाने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर लेक में नहाने के बाद ये फिर से सोना के अंदर चले जाते हैं। माइकल काफ़ी शराब पीता था। वो सोना में जाने से पहले भी काफ़ी शराब पी लेता है। माइकल रीनी को रूम में चलने के लिए कहता है ताकि ये लोग इंटीमेट हो सकें पर रीनी उसे मना कर देती है। गुस्से में माइकल वहाँ से चला जाता है और किसी के गिरने की बहुत तेज़ आवाज़ आती है। रीनी कहती है कि वो माइकल के शराब पीने की आदत से परेशान है। ईयान उसे बुलाने के लिए जाता है पर रीनी उसे रोक देती है। इसके बाद सोना में गर्मी बढ़ जाती है। रीनी बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है पर वो दरवाज़ा नहीं खुलता। ईयान भी दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश करता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। उन्हें लग रहा था कि माइकल इनके साथ प्रैंक कर रहा है। ये लोग माइकल को काफ़ी आवाज़ लगाते हैं पर माइकल कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जैना को याद आता है कि वेड ने माइकल को एक जॉइंट भी दिया था। इसका मतलब माइकल शराब और मैरुआना का जॉइंट मारकर कहीं मदहोश पड़ा था। वेड भी इनसे पार्टी में मिलने वाला था। अगर इन्होंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये जिंदा ही यहाँ पर भुन जाएंगे। तभी ये देखते हैं कि कोई चीज़ दरवाजे को ब्लॉक कर रही है। ये तीनों यहाँ से बाहर निकलने के बारे में प्लान बनाते हैं। इन्हें पता चलता है कि सोना को ऑन ऑफ करने का बटन सोना के बाहर है। ईयान एक पत्थर लेता है और दरवाजे पर लगे ग्लास को तोड़ देता है। इस सब में उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है। ये देखते हैं कि एक सीढ़ी दरवाजे के सामने गिरी हुई है जिसके कारण दरवाजा नहीं खुल पा रहा है। ईयान उस सीढ़ी को हटाने की कोशिश करता है पर वो सीढ़ी को नहीं हटा पाता। रीनी सोना रूम के अंदर लगे थर्मोसेट को तोड़ना चाहती थी पर ईयान उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उसे तोड़ने से उस रूम में टेम्परेचर और बढ़ सकता था। ईयान वहाँ पर लगे बल्ब को देखता है और उसे फ्यूज़ करने के बारे में सोचता है ताकि पूरे घर का फ्यूज़ उड़ जाए और सोना का हीटर भी बंद हो जाए। वो बल्ब को निकालता है और उसके होल्डर में एक गीला तौलिया लगाता है। ऐसा करने से फ्यूज़ तो नहीं उड़ता पर करंट लगने से ईयान उड़कर दूर गिरता है। अब इस रूम में लाइट्स भी नहीं थी। इन तीनों की कंडीशन अब और भी ख़राब हो चुकी थी। तभी ये वेड के डॉग बो की आवाज़ सुनते हैं। वो डॉग सोना रूम के पास आकर भौंकने लगता है। उसे पता चल जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। तभी उस डॉग के पास माइकल भी आ जाता है। रीनी माइकल को आवाज़ लगाती है तभी आतिशबाजियां शुरू हो जाती है जिससे माइकल रीनी की आवाज़ को नहीं सुन पाता। वो वेड के पास जाकर भी भौंकता है पर वेड को लगता है कि शायद ये फायर क्रैकर्स की आवाज़ से परेशान है। वेड को घर के पास माइकल मिलता है। वेड उससे पूछता है कि वो पार्टी में क्यों नहीं गया। माइकल कहता है कि वो शराब के नशे में सो गया था और वो उसे छोड़कर पार्टी में चले गए। माइकल वेड से कहता है कि वो वेड का दिया हुआ जॉइंट फूंक कर सो गया था। थोड़ी देर पहले माइकल बॉ की भौंकने की आवाज़ से उठा था। रूम में अपने दोस्तों को ढूंढता है। इसके बाद वो पार्टी में जाता है पर उसके पास पार्टी के इनविटेशन कार्ड्स नहीं थे इसलिए उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। सोना के अंदर रीनी उस थर्मोसेट को तोड़ना चाहती थी पर जैना उसे रोकती है। उनके बीच छीना छपटी में पत्थर रीनी के लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जैना को खुद पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो थर्मोसेट को तोड़ देती है जिससे सोना में और गैस रिलीज होती है। ईयान को डर था कि थर्मोसेट तोड़ने पर यह हो सकता है। ईयान जोर जोर से हंसने लगता है। उसने इन दोनों लड़कियों को ऐसा करने से रोका था पर इन्होंने ईयान की बात नहीं मानी। ईयान गुस्से में स्टीमर को तोड़ने लगता है। स्टीमर का गैस पाइप टूट जाता है और वहाँ पर एक धमाका होता है। उस धमाके में ईयान की मौत हो जाती है। जैना को हेलुसिनेशन होती है कि उस धमाके से दरवाज़ा खुल गया है और वो बाहर आ गई है पर हकीकत में वो उसी सोना में फंसी थी जिसमें अब जहरीली गैस भी लीक हो रही थी। रीनी को भी अब होश आ जाता है। जैना उसे दरवाजे के छेद के पास ले जाने की कोशिश करती है। वो तौलिए को दरवाजे पर लटकाती है और रीनी को वहाँ पर खड़ा कर देती है ताकि रीनी सांस ले पाए। माइकल घर जाता है और अपने दोस्तों को रूम में ना पाकर शराब पीता है और सो जाता है।
पता नहीं इसने अपने दोस्तों को कॉल क्यों नहीं की। जैना उस टूटे हुए गैस पाइप को बंद करने में कामयाब हो जाती है। तभी मूवी में फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा था। माइकल जब सोना रूम से नशे की हालत में बाहर जाता है तब वो फिसल जाता है और उसने वो सीढ़ी गलती से दरवाजे के सामने रख दी थी। इयान जब उसे बुलाने के लिए जाता है तो वो दरवाज़ा खोलता है पर रीनी उसे रोक देती है और वो सीढ़ी और नीचे आ जाती है। इसके बाद जब रीनी दरवाज़ा खोलती है तब वो सीढ़ी दरवाजे और दीवार के बीच अटक जाती है। कुछ देर बाद वेड सोना रूम के पास आता है और उस टूटे हुए शीशे से रीनी को देखता है। वो पुलिस और एम्बुलेंस को भी बुलाता है। माइकल अपनी गलती पर रो रहा था। रीनी और जैना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इयान की मौत हो जाती है और ये मूवी वहीं पर एंड हो जाती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन 247 डिग्री फ़ारेनहाइट मूवी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।